तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। अटल टू फेज का उद्घाटन होने वाला है और कुछ ही देर में श्री नीतीश कुमार जी आने वाले गाइस। जैसे ही आते हैं आपको दिखाता हूँ, पूरी फोर्स आ चुकी है पीछे में। गाइस फाइनली जिसका मुझे इंतजार था उनसे मैं मिल चुका हूँ गाइस। और सर थैंक यू सो मच मिलने के लिए। तो गाइस आगे से वीडियो बने रहे गाइस, आगे कुछ बहुत कुछ दिखाना बाकी है अभी। लगता है पापा बोला ना सबका कैमरा ऑन है गाइस। फाइनली आ चुके हैं, गाइस पूरी फोर्स आ जा रही है। यार अटल पथ में स्टैंडिंग हो गए हैं फेज दो का लोकार्पण है वहाँ पर। ध्यान दीजिएगा अरुण भाई, ध्यान दीजिएगा अटल पथ फेज दो में। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, चलिए और पीछे अरे चलिए आगे मुझे चलिए। लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लोकार्पण हो चुका है। गाइस पूरी फोर्स आगे आ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग का अभिवादन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।
गाइस देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं सारी गाड़ियां क्रॉस हो रही है, सो गाइस काफी गाड़ियां से क्रॉस हो रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ आगे गाड़ियां हैं अटल पथ की हो जाने लगी है गाइस। और गाइस चलते हैं और देखते हैं मरीन ड्राइव कैसा, फेस टू का उद्घाटन हो चुका गाइस और अभी आगे उद्घाटन होने वाला है शायद मरीन ड्राइव का। तो गाइस आगे चलते हैं और आइए का सिनेमैटिक जूम मैं आपको दे दूंगा। तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो पर बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। समस्याएं या तैयार की होती थी सबसे निजात मिलने वाला है, और इसलिए बिहार की जनता ये धन्यवाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित अतिथियों को हरित पौधा देने की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप हमारे बीच जाएं और यहाँ उपस्थित मीडिया वाला हर कुछ दिखाएंगे, स्टोरेज भर गया यार पूरा। जिन्होंने आइडिया दिया, इस परियोजना की कल्पना की, जिन्होंने शिलान्यास किया 11 अक्टूबर 2013 को किसी स्थल पर। आजकल प्रसाद जी, माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, आपका विभाग की ओर से हम लोग 11 अक्टूबर 2013 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार एवं हुडको ऋण से इस कार्य को करने का निर्णय लिया गया है। दीवार से देख सकते हैं दीवार को, और अभी तो ये देश बंद है पहला चरण, हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। बाद से हमारी योजना होगी ये दीदारगंज के आगे ले जा करके इसको जो बख्तियारपुर का पुल है वहां तक इसको बढ़ा दे, और फिर साधन हुआ इसको बाई तरफ और पश्चिम तरफ की ओर जो आरा छपरा के बीच में गणगंगा नदी पर एक पुल बन रहा वहां तक इस पुल को बढ़ा दिया जाए, तो एक सड़क से अनेक पुल जुड़ जाएंगे और ये बहुत बड़ा ढांचा ये तैयार हो जाएगा पथ के क्षेत्र। गंगा नदी में जल स्तर की अनिश्चितता के बीच औसतन 12 मीटर की ऊंचाई पर पथ बंद का कार्य तथा एलिवेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य करने में सभी संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता थी। इसके परिकल्पना को मूर्त रूप देने में काफी कठिनाइयां महसूस हुई, जैसे भू अर्जन की समस्या, नदी के तल में होने के कारण सिया एनजीटी के चैलेंजेज, इनके शर्तों का अनुपालन, उसके बाद फिर कोविड का प्रकोप, इन सब को लेते हुए भी हमने काफ़ी कठिन मेहनत करके परिश्रम करके इस योजना को इस रूप तक ले आया है। वर्ष 2015 में गंगा चैनल का निर्माण हो जाने से जेपी गंगा पथ के दोनों तरफ जल धारा का बहाव नई चुनौतियों को उत्पन्न कर रहा था, जिसका त्वरित निदान करते हुए कार्य को तीव्र गति से किया गया है। निर्माण कार्य के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी वर्षा ऋतु के समय साइट का पूरी तरह से जलमग्न हो जाना,
जिसके कारण कार्य बंद हो जाना तथा बरसात के बाद कार्य को दोबारा नए सिरे से शुरू करना है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में हमारे वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी विभागों सरकार के सभी अंग इसमें सहयोग किए। एक पूरी टीम वर्क का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम लोग इसको एक अंश को खोलने में कामयाब हो रहे हैं। दीघा से दीदारगंज तक 3831 करोड़ की लागत राशि से निर्मित हो रहे गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है, जिसे फरवरी 2024 तक पूर्ण किया जाना है। विगत वर्ष लोकार्पित हुए पटना शहर के अति महत्वपूर्ण पथों में से एक अटल पथ को 69.56 करोड़ की लागत राशि से 1.3 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित करते हुए जेपी गंगा पथ से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उसे भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। पाटली पथ के माध्यम से शहर के प्रमुख अस्पताल पीएमसीएच तथा एम्स की सीधी संपर्कता भी स्थापित हो गई है। दीघा से गांधी मैदान 6 मिनट में तथा पीएमसीएच अब 8 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। जेपी गंगा पथ के निर्माण में सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है तथा राइडिंग क्वालिटी को और भी बेहतर बनाया गया है। हाई स्पीड एक्सप्रेसवे टोल पथ पर सड़क सुरक्षा के लिए स्पीड इंस्पेक्टर द्वारा ऑटोमेटिक चालान का निर्गत किया जाना विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर पथ के दोनों ओर 5 मीटर चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित की जा रही है। गंगा नदी की मनोरम छटा आनंद लेने के लिए 5 मीटर चौड़ाई में कि आपका भी अभिनंदन जिस प्रकार से आपकी अगुवाई में बहुत समय से पूरा हुआ है। पिछले एक वर्ष से विकास आयुक्त और मुख्य सचिव के रूप में इस पथ के निर्माण के सिलसिले में जो कुछ भी अपनी भूमिका अदा कर पाया हूँ उसको मैं अपने कार्यकारी जीवन जो एक अधिकारी का होता है जो काम को अपने करियर में करते हैं इस पथ से जुड़े हुए जो काम थे सरकार। अच्छा देख सकते हैं काफी बहुत तो आगे निकल चुके हैं। सारे बेसिकली हम लोग निकल रहे हैं गाइस अभी अटल पथ पे बड़ी ट्रैक पे निकल रहे हैं गाइस। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रश है यहाँ पे और जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे आ चुके हैं गाइस। और क्या कहूँ गाइस काफ़ी अच्छा सीन भी सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ सब